हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्टिनाज एक्टिविटी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छी हो और मैं भी अच्छी हूँ। अभी 11 o'clock हो रहा है सुबह का। आज सुबह थोड़ा ज़्यादा ही बैठ बैठ के वक्त बिता ली। हाँ, मॉर्निंग का काम हो गया, झाड़ू पोछा, बेड क्लीनिंग, ब्रेकफास्ट वगैरह, बस कुकिंग ही बाकी। आज संडे है तो कुछ स्पेशल बनाने का मन है, ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। देखिए, बैठे बैठे बात भी हो रही थी और यहाँ पर कपड़ा भी तय करके रखी हूँ। देखिए, सब कपड़ा कवर्ड में उठा दी, क्लीन हो गया है बेड पूरा क्लियर। अब किचन में जाऊंगी, कुकिंग करना है। एक आज डिनर के लिए एक मटन का कुछ स्पेशल रेसिपी बनाऊंगी, वो शेयर करूंगी आप लोगों से। क्रिसमस भी आ रहा है एंड बहुत एक्साइटेड है हम सब घर पे। बहुत मीन्स हमारा ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। बताना जो मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं उन लोग क्या क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, किस तरीका से प्रिपरेशन हो रहा बताना। एंड जिन लोग क्रिश्चियंस नहीं भी है, क्रिसमस दिवाली ईद, अभी फेस्टिवल्स कोई रिलीजन बोल के होता नहीं है, सभी कोई करते हैं। तो आप लोग किस हिसाब से क्या क्या कर रहे हो, कहाँ घूमने जा रहे हो? बहुत लोग घूमने जाते हैं तो बताना ज़रूर। ओके, हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है, बहुत, मतलब क्या बोले आपको, समझ मीन्स वर्ड्स नहीं आ रहा है। क्रिसमस जब आता है ना, वो वाइब्स आते हैं ना, उफ, जस्ट लाइक वाओ। तो चलिए, मेरा हंसी से आपको पता चल रहा है। और हाँ, देखिए मेरा बाल, कल स्पा करवा के आई तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्मूथ। सडन चले गई, कोई प्लानिंग था ही नहीं। हस्बैंड भी आके रात में बता रहे, अरे तुमसे, हाँ सडनली वक्त था खुद के लिए, वक्त थोड़ा सा निकाल ली बिजी शेड्यूल में से। चलिए चलिए चलिए, अब किचन में चलती हूँ, बहुत बक 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 हो रहा है। चलिए किचन में जाके मिलते हैं। देखिए, किचन में आ गई अब लंच के लिए। आके फटाफट पहले मैं ये काट ली, ये करेला का सब्जी बनाऊंगी लंच के लिए, करेला और आलू का। और यहाँ पे फिश हेड है, ये बनाऊंगी, ये मैं और मम्मी खाऊंगी। बेटी को देखते हैं वो एग खाएगी या उसके लिए कुछ और चिकन वगैरह कुछ करके दे देंगे। देखिए ये लंच के लिए, चलिए चलिए फटाफट प्रिपेयर कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे 1/2 kg मटन है, ठीक है, और इसमें मैं 1/2 teaspoon चिली पाउडर डालूँगी, ज़्यादा एकदम नहीं, क्यों मैं और भी बताऊँगी बाद में। और 1/2 teaspoon हल्दी, टेस्ट के हिसाब नमक, और 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें अभी ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना, बस इसे थोड़ा सा पानी देके मैं इसे कुक कर लूँगी। देखिए यहाँ पे हरा धनिया ली हूँ मैं, कोरिएंडर लीव्स, इसमें 2 tablespoon दही, खट्टा दही डाली हूँ। और इसमें और ऐड करूँगी मैं यहाँ पे ग्रीन चिली, 4 ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। इसे पेस्ट बना लूँगी, अच्छा से फाइन पेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा दरदरा रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हरा धनिया, हरी मिर्ची और दही का जो पेस्ट बनाई ये, और कुछ यहाँ पे पेपर कॉर्न से मीन्स गोटा गोल मिर्च, और यहाँ पे तेल गरम कर रही हूँ। देखिए अब ये तेल में ये गोटा गोल मिर्च डाल देंगे, उसके बाद जो मीट कुक करके रखी थी वो डाल दूँगी। देखिए अब ये कुछ देर फ्राई करेंगे, इसके बाद हम लोग ये पेस्ट ऐड करेंगे। चलिए कुछ देर पहले मीट को फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा से फ्राई हो गया। मैं मीट थोड़ा छोटा छोटा काटी हूँ फ्लेवर के लिए, आप लोग चाहो तो बड़ा भी काट सकते हो। अब मैं इसे ये पेस्ट ऐड कर दूँगी। चलिए इसे पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छा से। देखिए ये मिक्स करने के बाद कितना अच्छा कलर लग रहा है। इसी स्टेज पर थोड़ा समय गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी। और कुछ देर अब इसे अच्छा से ढक के कुक करेंगे, इसे ढक देंगे कुछ देर। देखिए
पूरा कितना अच्छा ये पूरा फ्राई हो गया देखिए। बस मैं इसे और कुछ नहीं करूँगी। हमारा मटन हरियाली पूरा रेडी है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ना, स्मेल भी बहुत टेम्पटिंग आ रहा है। एक बार मेरे प्रोसीजर का बना कर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा जैसे मैं बनाई हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। बस इसे अब कुछ नहीं करना है, इसे अब ढक देना है एंड इट इज़ रेडी टू सर्व। गुड इवनिंग एवरीवन। दिन के बाद मैं लंच बनाने के बाद और फिर आ नहीं पाई आप लोगों से मिलने के लिए, तो देखिए मैं डायरेक्ट आ गई अभी डिनर प्रिपेयर करने के लिए। मैं दिन में दिखाई थी आप लोगों को मटन हरियाली बनाई हूँ, तो उसके साथ मैं आज ये लच्छा पराठा बनाऊँगी। तो ये पता है सबको, आई नो दैट, बट मैं अपना प्रोसीडियर बता रही हूँ। ये मैदा ली हूँ मैं, यहाँ पे 500 ग्राम्स है और यहाँ पे 2 टेबल स्पून वनस्पति घी है और इसमें मैं 1 स्पून शुगर ऐड करूँगी और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करूँगी। थोड़ा सा देखिए मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छा से मोयाम करना है इसमें, देखिए इसे अच्छा से ऐसे मसल मसल के रब करना है, जैसे हम लोग समोसा कचौरी के लिए जैसे मैदा सानते हैं ना, तो वैसा ही इसे सानेंगे। देखिए इसे अच्छा से ही करना है, मींस रब करना है। चलिए थोड़ा देर इसे पहले अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा से इवनली मिक्स्ड हो गया है, देखिए जब ऐसे चेक कीजिएगा मुट्ठी, ये पूरा एक मुट्ठी में जब तक ये मैदा पूरा आ जाता है, देखिए पूरा इस तरीका से मिक्स करना है। उसके बाद ये मैं नॉर्मल वाटर ली हूँ, जो रेगुलर वाटर है, फ्रिज का भी नहीं और गर्म पानी भी नहीं, ये थोड़ा थोड़ा पानी दे करके इसे मिक्स कर लेंगे। ये पराठा से हम लोग जैसे काटी रोल, फिर इसे लच्छा पराठा हम लोग बोलते हैं। इसमें अगर आप चाहो येलो फूड कलर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, अच्छा लगता है दिखने में, बहुत रेस्टोरेंट्स वगैरह में उन लोग देते हैं, तो मैं नहीं दी, मैं नॉर्मली रखना चाह रही थी। एक्चुअली दिन में लंच बनाने के बाद आप लोगों से शेयर की, लंच आज नहीं बनाने के बाद शेयर नहीं कर पाई, वो थोड़ा गेस्ट आ गए थे घर पर तो थोड़ा वही बिज़ी हो गई थी, तो और लंच नहीं शेयर कर पाई। हम लोगों को खुद लंच करने में बहुत लेट हो गया था आज, तो उसके बाद नहाने धोने में बहुत वक्त चला गया आज, तो वही इवनिंग में भी चाय पी कर थोड़ा देर मम्मी के संग बैठ कर थे, बातें कर रहे थे, तो वही सोची चलो अब डिनर बनाने का वक्त है। ये भी मीन्स कुछ देर, अभी 8:30 हो रहा है, अभी इसे सान के कुछ देर रख दूँगी रेस्ट पे, फिर जब बनाएंगे फिर दिखाएंगे। चलिए पहले इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छा से। देखिए ये सन के पूरा रेडी हो गया है, अभी मैं इसे कुछ देर रेस्ट के लिए रख दूँगी। कम से कम अगर टाइम ना भी रहे आपके पास, एटलीस्ट 15 मिनट्स इसे रेस्ट होने के लिए दे दीजिए। मैं इसमें ऑयल नहीं लगाऊंगी अभी, अभी ऐसे ही इसे कुछ देर ढक के, कोई भी प्लेट या क्लिंग रैप किसी से भी ढक के रख देंगे। इसे मैं अभी ढक के रख रही हूँ, जब मैं इसे बनाऊँगी फिर आप लोग से शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से लच्छा पराठा बनाती हूँ। चलिए इसे ढक के रख देती हूँ अभी। देखिए यहाँ पे हाफ एन आवर हो गया, मैं आधा घंटा के लिए रखी थी, अभी इसे मैं एक बाय एक प्रोसीडियर दिखा रही हूँ, अच्छा से फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, बहुत अच्छा लच्छेदार बनेगा पराठा पूरा, वो एक एक करके प्लीट्स निकलता है, जैसे हम लोग साड़ी में प्लीट्स देते हैं ना, वैसे प्लीट बाय प्लीट निकलेगा। ज़रूर फॉलो कीजिएगा, यही सब स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर आप एक भी स्टेप यहाँ वहाँ हो गया तो आपका पराठा सही नहीं बनेगा। तो चलिए मैं जैसे जैसे बना रही हूँ देखते रहिए। Thank you.
तो आप लोगों ने देखा है कितना अच्छा से, देखिए मेरा पराठा सिक गया है और ये कितना अच्छा से लच्छेदार भी बना है, देख सकते हैं आप पूरा एक एक प्लीट्स वो निकल के आ रहा है। देखिए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसे और बताइएगा सही बना कि नहीं, और आप लोग किस प्रोसीडियर से बनाते हो वो भी ज़रूर शेयर करना, मैं वो भी ट्राई करूँगी एक बार। तो चलिए आज का संडे स्पेशल डिनर हरियाली मटन एंड लच्छा पराठा इज़ रेडी टू ईट। तो चलिए हम लोग डिनर कर लेते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, अपना प्यार दिखाओ। डू टेक केयर, अपना ध्यान रखो आप सब। आप लोग भी मज़े करो और इन्जॉय करो, और अपना अपना लाइफ स्टोरी मेरे से थोड़ा बहुत शेयर करते रहना। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, टाटा।